उमेश साहब आगे सारे। हाँ तो हेलो गाइस, मैं राजू और मैं चूतिया। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के क्यूटेस्ट कपल की। जी हाँ, ना इंडिया के ना युगांडा के, वर्ल्ड के क्यूटेस्ट कपल, राजू भाई और रोशनी दीदी। दीदी क्या बोल रहे हैं बे? मेरे बच्चों का मामा लगता है तू। हेलो गाइस, मैं राजू। मैं नहीं पहचाने नहीं। तो आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले इन्होंने भाग के शादी कर ली थी। भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कर्फ्यू भी लग चुका है मोदी जी। तो बेसिकली राजू भाई जो कि 18 साल का है, हाँ, तो उसने रोशनी को 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। कितने शानदार विचार रखते हैं। तो यूट्यूब के हर एक फैमिली ब्लॉगर की तरह अब इनका बच्चा ही इनका कॉन्टेंट बन गया है। तो बाबू कब तक आएगा, हमारे बीबी प्लान, बाबू का नाम, बाबू घूम रहा है पेट में। हाँ, तुम्हारा बाबू है कि बवंडर जो घूमेगा। बेबी होनी का डी, साला इनका बाबू है कि मनोज बाजपेयी, आने का नाम ही नहीं लेता। आ रहा हूँ बहनचोद, गाने गुच्छा इंसान के। वैसे तो एक बच्चा बड़ा होकर अपने पेरेंट्स को पैसे कमा के देता है, हाँ तो, लेकिन आई थिंक ये वर्ल्ड का पहला ऐसा बच्चा होगा जो पैदा होने से पहले से ही अपने माँ बाप को पैसे कमा के दे रहा है। अबे रुको जरा। और जनरली माँ बाप बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करते हैं, लेकिन अगेन दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड एवर जो पैदा होने से पहले ही अपने माँ बाप का फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। और सक्सेस तो राजू भाई के अंगों अंगों में भरा है, इवन सक्सेस खुद आके इनके पैर चूमती है। इसीलिए इनकी हर वीडियो के टाइटल पे लव मैरिज सक्सेस, लव मैरिज सक्सेस, लव मैरिज सक्सेस। सारा सक्सेस तो ऐसे लिख रहा है जैसे कौन सा यूपीएससी आईआईटी क्रैक कर लिया हो। ये बढ़िया था गुरु। भाग के शादी कर लो भाई। हाँ कर ली भाई, लेकिन पता चला कि साला गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तो एंड में कुतिया से करनी पड़ गई शादी। तो क्या आप लव मैरिज करना चाहते हैं? हाँ। और कोई सपोर्ट भी नहीं है आपके पास? हाँ। और क्या आपके फैमिली भी? देखो भाई, तुम बस पहले एक लड़की दिलवा दो, बाकी मैं अपने आप खुद कर लूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दिसंबर 2020 इनके एक वीडियो आई थी, तो हम लोग बता रहे हैं हम लोग बेबी कब लेने वाले हैं, कि अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, अभी उस बेबी का बारे में अभी सोच रहे हैं। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। ही बेबी को संभालने के लिए काफी नहीं है, रोशनी भी अभी बेबी को संभाल नहीं सकती, उतने अच्छे तरीके से केयर नहीं कर सकेगी, तो मैं सोचा अभी 3 साल वेट करेंगे हम लोग और 3 साल बाद छोटा राजू आ जाएगा यहाँ। प्लान तो अच्छा था, माइंड ब्लोइंग, लेकिन इसमें वैलिडिटी 3 साल की मिली ही नहीं। हाँ तो दिसंबर के 7 महीने बाद जुलाई में ही आ गई खुशखबरी। आमी मानू दो दिन में पलट गया। अबे रुको जरा। तो रोशनी जी अभी आप कितने महीने के प्रेग्नेंट हो? 4 महीने। समझ में आया तुमको? दिसंबर में बोला था 3 साल बाद आएगी गुड न्यूज, अब जुलाई में ही बोल रहे कि वो 4 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट है। नहीं। मतलब मार्च, शाबाश, बोला था 3 साल, 3 ही महीने में प्रेग्नेंट कर दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो प्यार का एक निशानी भी होना चाहिए, और आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, हम लोग का प्यार का पहला निशानी को हम लोग खो दिए थे क्या? तो आज आप लोग को सच बात बता रहे हैं, रोशनी का पेट दर्द किस लिए दे रहा था? रोशनी का पेट दर्द इसी वजह से दे रहा था क्योंकि एक बार मिसकैरेज हुआ था रोशनी का। क्या हुआ था? मिसकैरेज हुआ था रोशनी का। अरे वाह मेरे भोजड़ी के, ये तो होना ही था। 15 साल की उम्र में तुम उसके हाथ में बूक की जगह बाबू थमाओगे तो जॉनी सिंस थोड़ी पैदा होगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और आप लोग को बता रहे हैं इस बार मिसकैरेज नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुन लिया ना? और भैया इस बार कोई मिसकैरेज ना हो रहा क्योंकि इस बार राजू भाई ने दिन रात बोले तो 24/7 बहुत मेहनत की है। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मिस्टर पे। और अब अगर तुम्हारे आसपास कोई पिल्लो है तो उसे पकड़ लो, ऐसे जकड़ लो, क्योंकि अब हम बात करेंगे उर्वशी रौटेला की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो इसका बायो देखो, यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द इंडिया होता या वर्ल्ड होता तो भी ठीक था, लेकिन इन द यूनिवर्स मिस यूनिवर्स दिल को छू गए, चलो ये भी मान लिया, लेकिन सिंगर ये कब हुआ? चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादर। इसका एक
पोस्ट आया था अभी सीरियल के लिए लुक्स लाइक करना चाहती फैजू मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती देख इसका तो समझ आता है लेकिन उर्वशी तेरे को तो हमारी यूनिवर्स की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होने के बाद भी ऐसे फिल्टर लगा के आना पड़ रहा है So that is it for today guys and thank you so much for watching this video. और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब तो किया ना तुम लोगों ने मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय